पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी के पार्षद की याचिका पर उच्चतम न्यायालय सोमवार को सुनवाई करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी ने इसे अपने लिए एक अत्यंत भावुक क्षण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में लगभग 11,600 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। पीएम मोदी ने यहां खानपारा स्थित पशु चिकित्सा महाविद्यालय के मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य और केंद्र द्वारा वित्त पोषित इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत की। लेखिका एवं कवयित्री अरुंधति सुब्रमण्यम को जयपुर साहित्य महोत्सव में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने वाली समिति की प्रमुख सिफारिशों में बहुविवाह और बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध, सभी धर्मों की लड़कियों के लिए विवाह योग्य समान आयु और तलाक के लिए समान आधार व प्रक्रियाएं शामिल होने की बात कही जा रही है। पंजाब के फिरोजपुर में आयोजित होने वाले आगामी पतंगबाजी उत्सव का विषय पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता है। पतंगबाजी की यह प्रतियोगिता इस तरह की पहली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में दो नए सरकारी स्कूलों का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में देवरिया जिले से आए पोलियोग्रस्त दो सगे भाइयों के परिवारजनों को विश्वस्त दिलाया कि उनके इलाज में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी, सरकार भरपूर सहायता करेगी। न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक गणपत गायकवाड़ पर एक ग्रामीण की शिकायत पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।